दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा माई लाइफ पेज में आपके साथ हूं। तो पत्रकारिता के कई पहलू हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि किस तरीके से पत्रकारिता की जा सकती है और कितने प्लेटफॉर्म्स इसके हैं। और सबसे पहले मैं खुद के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मैं जर्नलिज़्म के पेशे में कैसे आया और किस तरीके से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। दोस्तों, मैं जब कक्षा 12 में पढ़ता था तब मैं देखता था कि समाज के अंदर कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हैं जो लोगों को फेस करना पड़ रही है। कई उनके ऐसे मसले हैं जो जनता के जो मसले होते हैं उनके समाधान नहीं निकल पा रहे हैं। तो मन में एक पीड़ा सी रहती थी कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व होगी और किस तरीके से लोगों को जस्टिस मिलेगा। तो शुरुआती दौर में समाज के अंदर जो घटनाक्रम देखा उसने प्रेरित किया और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था। अखबारों के अंदर पहले कॉलम आता था जिसमें लेटर टू एडिटर, पत्र संपादक के नाम जो आते थे। उस आप इस दौर में देख रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में जब आप बात करते हैं तो टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, कई एफएम चैनल्स आते हैं। ऐसे ही जब आप प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो कई भाषाओं के अखबार आते हैं जो डेली न्यूज़पेपर भी होते हैं जिसको दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। कई पत्र जो है वो शाम के अखबार होते हैं, इवनिंग डेली होते हैं। कई अखबार साप्ताहिक अखबार होते हैं और मैगजीन्स भी कई भाषाओं में होती है। इसी तरह सोशल मीडिया की बात आती है तो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि कई वेब पोर्टल हैं जो अलग अलग खबरें आपको देते हैं, अपडेट आपको करते हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा हूँ, मैंने राजनीति के ऊपर कई प्रकार की रिपोर्टिंग की है। आप देखते हैं पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स नहीं होता है। इस समय दुनिया ग्लोबल है, वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण कह सकते हैं या ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स की भी जानकारी होना चाहिए, रशियन पॉलिटिक्स की भी जानकारी होना चाहिए, यूरोपियन पॉलिटिक्स की भी जानकारी होना चाहिए और आपके जो नेबर कंट्रीज हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ इलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर इश्यूज इलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, वो भी आपके अंदर। देखिए, एक जर्नलिस्ट का एक मजबूत पक्ष जो है, स्ट्रांग फैक्टर आपका ये है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन आपका बेहतर कैसे होगा? आपको खुद कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। जब आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, जब आप उन लोगों से रूबरू होंगे, कम्युनिकेट होंगे, तब चीज़ें डेवलप होगी। और कम्युनिकेट मतलब ये नहीं कि आप कुछ VIPs के साथ ही कम्युनिकेट हो या आपकी जो लिस्ट है उन्हीं लोगों के साथ आप कम्युनिकेट हो। आपको कम्युनिकेट कॉमन मैन के साथ ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, वो कॉमन मैन को सेंट्रल में रखकर ही बनाई जाती है। देखिए, पत्रकारिता वैसे तो एक मिशन है, आप इसको एज ए मिशन ही मान के चलिए, और ये नोबल प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटे मोटे प्रोफेशन के अंदर, ये नोबल प्रोफेशन है। और नोबल प्रोफेशन आपको क्या देता है? सबसे पहले नोबल प्रोफेशन आपको आपके एरिया का आइकन बनाता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट होने के लिए आपके पास सोर्सेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के। आप दुनिया के सारे अखबारों को पढ़िए कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, चाइना डेली क्या बोल रहा है, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, बांग्लादेश के अंदर अखबार क्या बोल रहे हैं, वहाँ टेलीविज़न की डिबेट्स क्या हो रही है, वहाँ के इलेक्शन के मैनिफेस्टोस क्या हैं, किस तरीके से वहाँ चीज़ें डेवलप हो रही है। जब आप ये स्टडी करते हैं, इस लेवल पर आप जाते हैं, तब आप इंडिया के अंदर आपकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को कर पाते हैं, क्योंकि ये तुरंत आपको काम करना पड़ेगा। और जो एंकर आपका स्टूडियो में, उसके साथ आपका PCR का तुरंत संपर्क करना पड़ेगा कि ये ब्रेकिंग चीज़ आ रही है, इसका एक कैप्सूल बन चुका है, अभी इसमें बाइट आना बाकी है, अभी हम केवल विजुअल के साथ इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि 24/7 में आपको घड़ी की सुई के साथ ही दौड़ना पड़ता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि चलो हमारे पास फीड आ गई है, हमारा अभी आधे घंटे दो घंटे बाद बुलेटिन फिर है, हम उसमें जोड़ देंगे। अगर आप इतना सोचते हैं तब तक दूसरा चैनल उसको ब्रॉडकास्ट कर चुका होता है, उसकी TRP बढ़ जाएगी
और तेजी से वो चीज़ वायरल हो जाएगी कि फला चैनल ने उसको ब्रेक कर दिया है, तब आपकी न्यूज़ किल्ड हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। फिर आप आपस में कितना ही जूझते रहे उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रिंट मीडिया में थोड़ी आपको सहूलियत ये है कि आपके पास चीज़ें आ रही है आपकी टेबल पर पहुंच रही है, आपकी डेस्क पर पहुंच रही है, आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप जो अपने सोर्स हैं, जो आपका रिपोर्टर, उससे आप कम्युनिकेट हो सकते हैं फ़ोन के जरिए, मेल के जरिए, नोट आउट करते जा रहे, चीज़ें बढ़ती जा रही है। फिर भी आप देखिए कि जब आप ये चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, चैनल उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन चैनल जब उसको ब्रॉडकास्ट कर चुका है तो जो दर्शक है, जो पाठक है, जो रीडर है, उसकी भूख को ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जब सुबह अखबार पहुँचेगा तो जो पाठक है उसकी भूख बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तब जो मैंने पहले बताया था कि आपका विश्लेषण वाला दिमाग होना ज़रूरी है, एनालिटिकल होना ज़रूरी है आपका, वो इसलिए कि जब आप प्रिंट मीडिया में रहेंगे तो यही चीज़ आपके काम में आएगी कि जो विजुअल मीडिया ने दिखाया उससे आगे की चीज़ आप डेवलप कर पाएंगे। और जब उसको आप पब्लिश करेंगे अपने अखबार के अंदर तो जो सुबह अखबार पढ़ेगा हमारा रीडर, उसको लगेगा कि टेलीविज़न ने इतना बताया था, उससे आगे की बात यहाँ छपी है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रख कर इस क्षेत्र में कदम बढ़ाएं, और मैं आपके सुखद भविष्य की और सफल करियर की कामना करता हूँ। नमस्कार।